बैक टू बैक दो मैचेस हारने के बाद एक दूसरे का सामना करने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। मैच खेला जाएगा आज शाम 7:30 बजे से गुवाहाटी इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम पर। दोनों ने स्टार्टिंग में ही दो दो मैचेस हारे हैं तो ये उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होगा और दोनों ही टीम चाहेंगे कि इस मैच से सीजन का पहला पॉइंट क्लेम किया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि इन फ्यूचर इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको हमारे इस चैनल पर जानने के लिए मिल जाए। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना। सो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड सीजन में उनका तीसरा मैच खेलेंगे, लेकिन अभी तक अपना पहला पॉइंट और पहला गोल की तलाश में। प्री सीजन तो इनका अच्छा बीता है, यहाँ पर 4 कंसेक्यूटिव मैचों में ये अनबीटन था और उसका इफेक्ट भी हमने बेंगलुरु एफसी के अगेंस्ट देखा। एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है उस मैच में। हालांकि रेफरी के गलती के वजह से नॉर्थ ईस्ट अपना फर्स्ट मैच में एक कॉन्ट्रोवर्सल हार का सामना किया, सेकेंड मैच में भी होम ग्राउंड पर निराशा। और अगर देखा जाए तो इस मैच में हैदराबाद के अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट का डिफेंस कई बार टूटा है। गौरव बोरा अभी तक उस रंग में नजर नहीं आए जैसा कि हम उनको ओडिशा एफसी में देखा था, और कहीं ना कहीं माइकल जैकोबसन के साथ बोरा का तालमेल में भी कमी नजर आते हैं। आई थिंक वो हम ग्रेजुअली देखेंगे जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता जाएगा। मिडफील्ड में भी इमानुएल उतना प्रभावित नजर नहीं आए, तो उनके जगह पर इमरान खान को अगर स्टार्टिंग लाइनअप पर डाल दे मार्को बलबुल तो मे भी वो थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि अब तक नॉर्थ ईस्ट के लिए एज ए सब्स्टिट्यूट इमरान खान काफी इफेक्टिव साबित हुए। लास्ट मैच में हमने देखा था कि कभी कभार काउंटर अटैक में उनके लिए खतरा बन रहा था, और इस सिचुएशन में इमरान खान मिडफील्ड में गजेता नगा के साथ एक अच्छा होल्डिंग रोल प्ले कर सकते हैं। हेड कोच मार्को बलबुल जो फर्स्ट मैच में ही रेड कार्ड कंसीड करके 1 मैच सस्पेंशन पर थे, वो भी इस मैच में नॉर्थ ईस्ट का साइडलाइन पर दोबारा नजर आएंगे, जो कि इस मैच से पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। दूसरी ओर ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, उन्होंने भी हार के साथ सीजन का शुरुआत किया है। सेकेंड मैच भी इनका बहुत ही क्लोज था, यहाँ पर एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी एंड वक्त पर गोल कंसीड करके हारे हैं। इस सीजन में इनके लिए गोल तो आया है, लेकिन अभी तक ओपन प्ले से ईस्ट बंगाल स्कोर करने में सक्षम नहीं हुए, और ये भी एक रीजन है कि क्यों वो अब तक अपने पहला पॉइंट का तलाश में है। तो दो मैचेस जो खेला है इन्होंने 22-23 सीजन में, उन दोनों ही मैचों में स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का टैक्टिक्स देखकर मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि वो सुमित पासी को क्यों खिलाते हैं। ना मैन मार्किंग, ना कुछ कंट्रीब्यूशन, और ना ही विद द बॉल कुछ कमिटमेंट। तो जब स्टीफन को राइट बैक खिलाना ही है तो वहां पर वो सार्थक गलोई या फिर मोहम्मद राकिब को खिला सकते हैं। मिडफील्ड में भी तुहिन दास का परफॉर्मेंस अब तक कुछ खास नजर नहीं आए, तो उनको रिप्लेस करके नावरे महेश को स्टार्टिंग 11 पर कोच ला सकते हैं। बाकी अगर टीम न्यूज के बारे में बात किया जाए तो इंजुरी के वजह से नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रभात लाकरा इस मैच से आउट ऑफ सर्विसेज, वही दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल के लिए एलियांड्रो ऑलरेडी इंजर्ड है। एफसी गोवा के खिलाफ भी उन्होंने नहीं खेला। लास्ट मैच में एलेक्स लीमा थोड़ा स्क्रैप महसूस कर रहे थे, बाद में उनको सब्स्टिट्यूट भी किया गया, तो मे बी ये दोनों आज द रेड एंड गोल्ड ब्रिगेड के लिए अनफिट रहने वाले हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की तरफ अगर देखा जाए तो 4 बार ये दोनों टीमें अब तक आमने सामने आए हैं, और इनमें से 3 जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और एक मैच ड्रॉ में समाप्त हुआ जो इसी साल फरवरी में खेला गया था। लेकिन ईस्ट बंगाल अभी तक हाइलैंडर्स के खिलाफ अपने पहले जीत का तलाश में है। स्कोरिंग के मामले में भी वो बहुत ही पीछे है, सिर्फ 2 ही गोल अब तक स्कोर करने में कामयाब हुए है, और दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने स्कोर किया है 7 गोल। तो हेड टू हेड्स के लिहाज पर नॉर्थ ईस्ट का पर्दा बिल्कुल एक तरफा भारी नजर आते है, जो उनके लिए अपने होम ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। एट द एंड अगर इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्ट किया जाए तो जबकि नॉर्थ ईस्ट अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे और साथ में ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड्स भी अच्छा है, तो आई थिंक 2-1 का स्कोरलाइन पर ये मैच नॉर्थ ईस्ट के फेवर में जा सकते हैं। और आप लोगों के हिसाब से इस मैच का प्रेडिक्टेड स्कोरलाइन क्या हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन पर अपना राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए बस इतना ही, साइनिंग आउट एंड सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो।